गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले ही आज स्कॉर्पियो में 98 किलो गांजे के साथ अवैध परिवहन करते मिले। दो पुलिस आरक्षक और डायल 112 के ड्राइवर ही तस्कर निकले। वहीं मुख्य आरोपी आरक्षक नरेंद्र चंद्रवंशी फरार है। चिल्फी थाने में पदस्थ दिलीप चंद्रवंशी के घर से भी कवर्धा एसपी ने छापा मारकर 8 किलो गांजा बरामद किया। फिलहाल दोनों पुलिसकर्मी निलंबित है। बोडाला पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। इस मामले में और खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। उसमें दो आरोपी थे जो मौके का फायदा उठाते हुए चेकिंग के दौरान से जंगल की ओर भाग गए थे। उन पर लगातार विवेचना किया गया तो वो एक सहायक आरक्षक नरेंद्र चंद्रवंशी और एक 112 का ड्राइवर ललित राजपूत के रूप में चिन्हांकित थे। दोनों को इस प्रकरण में 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत में जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है। महात्मा गांधी रोजगार